हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम टोटल का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो 10 लाख के अंदर निकट सुपर बाइक खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम 6 लाख से 10 लाख के अंदर जितने भी निकट सुपर बाइक है उन सभी के बारे में आपको बताऊँगा और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा आपके लिए कौन सा बाइक सही रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बाइक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर इस वीडियो में 50 लाइक कम्प्लीट हो जाता है तो मैं आपको वादा करता हूँ 15 लाख के अंदर फुल फेयरिंग बाइक का वीडियो जरूर लाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारे पहले नंबर पर जो बाइक है वो बहुत ही ज़्यादा खास बाइक है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको इनलाइन 4 मिल जाता है, वो भी इतना ज़्यादा कम प्राइस में, तो आप सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इसका नाम है बेनेली 600i। तो दोस्तों, अभी तो ये शायद डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन दोस्तों इसका जो 2022 वेरिएंट आ सकता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए दोस्तों इसका प्राइस मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, इस बाइक में दो आपको वेरिएंट मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसका प्राइस है 5.59 लाख इस एक शोरूम, एंड और एक वेरिएंट है जो कि है ABS, इसका प्राइस है 6.17 लाख एक शोरूम, और इसमें आपको पावर मिल जाता है 78.9 BHP 11,500 RPM पर, एंड टॉर्क मिल जाता है 54.6 Nm 10,500 RPM पर, एंड इसमें आपको 600cc का इंजन मिल जाता है जो कि इनलाइन 4 के साथ आता है, और उसी के साथ आपको लिक्विड कूलिंग भी मिल जाता है, एंड इस बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगा 90 से 20 किलोमीटर पर लीटर का। और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ABS वेरिएंट में आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है, लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको ABS मिलता है या पर नहीं मिलता वो मुझे नहीं पता, अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। एंड इन दोनों ही वेरिएंट में आपको फ्रंट में 320mm का 4 पिस्टन ड्यूल डिस्क मिल जाता है, एंड रियर में 260mm का 2 पिस्टन सिंगल डिस्क मिल जाता है। एंड वेट के बारे में बात करें तो इस बाइक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इस बाइक का वेट है 231 kg का। एंड सीट हाइट के बारे में बात करें तो इस बाइक का सीट हाइट लो है, उसके वजह से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको वेट ज़्यादा होने पर। इस बाइक में आपको सीट हाइट मिल जाता है 800mm का। एंड टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो इस बाइक का टॉप स्पीड है 230 km/h का। तो हमारे दूसरे नंबर पर जो बाइक है वो है होंडा CB650R। इसका जो फेयरिंग वेरिएंट है उसके बारे में तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि उस बाइक के बारे में बहुत सारे वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों अभी मैं बात करूँगा होंडा CB650R के बारे में। तो दोस्तों, ये बाइक आपको मिल जाएगा 8.68 लाख एक शोरूम प्राइस में, और इस बाइक में आपको 648.72cc का इनलाइन 4 इंजन मिल जाता है, जहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग मिल जाता है, एंड ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 85.82 BHP 12,000 RPM पर, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 57.5 Nm 8,500 RPM पर, एंड इस बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगा 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का, एंड इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, एंड फ्रंट में 310mm 4 पिस्टन ड्यूल डिस्क मिल जाता है, एंड रियर में 240mm 1 पिस्टन सिंगल डिस्क मिल जाता है। एंड वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट थोड़ा सा कम है 206 kg का, एंड सीट हाइट है 810mm का। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक का टॉप स्पीड है 225 km/h का। तो हमारे थर्ड नंबर पर जो बाइक है वो है ट्रायम्फ की तरफ से, और ट्रायम्फ तो जाना जाता है अपने बेस्ट बिल्ड क्वालिटी एंड इनलाइन 3 सिलेंडर इंजिन से, तो इसी ने लॉन्च किया है ट्राइडेंट 660। जिसका प्राइस है 7.45 लाख एक शोरूम,
एंड इसमें आपको 660 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है एंड लिक्विड कूलिंग के साथ दिया गया है। एंड ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 80 bhp 10,250 rpm पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 64 न्यूटन मीटर 6,250 rpm पर। एंड इस बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगा 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। और इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है एंड फ्रंट में 310mm टू पिस्टन निसन का ड्यूल डिस मिल जाता है एंड रियर में 255mm वन पिस्टन निसन का सिंगल डिस मिल जाता है। एंड इस बाइक का वेट सेपो सेप 189 kg है एंड सीट हाइट है 805mm एंड टॉप स्पीड है इस बाइक का 212 किलोमीटर पर आवर का। तो हमारे चौथे नंबर पर जो बाइक है वो है ट्रैम स्ट्रीट ट्रिबल आर। इसका जो RS वेरिएंट है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा बाइक है और वैल्यू फॉर मनी बाइक है, लेकिन दोस्तों उसका प्राइस थोड़ा सा 10 लाख से ऊपर है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं स्ट्रीट ट्रिपल आर के बारे में बता देता हूँ आप सभी को। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 8.85 लाख एंड इस बाइक में आपको 765 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर लिक्विड कूलिंग इंजन मिल जाता है एंड इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 116.4 bhp 12,000 rpm पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 79 न्यूटन मीटर 9,350 rpm पर एंड इस बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगा 19 kmpl के आसपास। एंड इस बाइक में आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है एंड फ्रंट में 310mm 4 पिस्टन ड्यूल डिस मिल जाता है एंड रियर में 220mm 1 पिस्टन सिंगल डिस मिल जाता है। एंड वेट के बारे में बात करें तो इसका वेट ट्राइडेंट 660 से भी कम है। इसका वेट है 168 kg एंड सीट हाइट है 825mm। इसका और एक वेरिएंट मिल जाता है जहाँ पर सीट हाइट आपको थोड़ा सा लो मिल जाता है और इस बाइक का टॉप स्पीड है 220 किलोमीटर पर आवर का एंड ए बाइक 22 किलोमीटर तक भी जा सकता है, लेकिन ए बाइक 225 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। तो मेरे फिफ्थ नंबर पर जो बाइक है वो है सुजुकी GSX S750। इस बाइक का प्राइस है 7.52 लाख एंड इस बाइक में आपको 749 सीसी का इनलाइन 4 इंजन मिल जाता है जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आता है एंड इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp 10,500 rpm पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 81 न्यूटन मीटर 9,000 rpm पर। एंड इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS देखने को मिलता है एंड इसमें आपको फ्रंट में 310mm 4 पिस्टन ड्यूल डिस मिल जाता है एंड रियर में 240mm 1 पिस्टन सिंगल डिस मिल जाता है। एंड वेट के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 215 kg का वेट मिल जाता है एंड सीट हाइट के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको 820mm का सीट हाइट मिल जाता है एंड माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक 18-19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है एंड इस बाइक का टॉप स्पीड है 230 किलोमीटर पर आवर का। तो हमारे सिक्स नंबर पर जो बाइक है वो है KTM की तरफ से KTM 790 ड्यूक। तो हमारे सेवन नंबर पर जो बाइक है मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा पॉपुलर निकेट सुपर बाइक शायद कोई भी नहीं है, क्योंकि ये बाइक जिस प्राइस रेंज में आपको जो जो फीचर्स एंड जितना ज़्यादा पावर एंड टॉप स्पीड दे रहा है वो शायद कोई भी बाइक नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये बाइक है कावासाकी की तरफ से कावासाकी Z900। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है सेपो सेप 8.50 लाख एंड इस बाइक में आपको 948 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आता है एंड इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 123.64 bhp 9500 rpm पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 98.6 न्यूटन मीटर 7700 rpm पर। एंड इस बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगा 15 kmpl का एंड वेट है इस बाइक का 212 kg का। एंड सीट हाइट के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको सीट हाइट मिल जाता है 820mm का एंड इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है एंड फ्रंट में 300mm
4 पिस्टन ड्यूल डिस्क मिल जाता है एंड रियर में 250 mm 1 पिस्टन सिंगल डिस्क मिल जाता है एंड इस बाइक का टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर का। दोस्तों इस बाइक में थोड़ा सा कमी भी है, ये बाइक का टॉप स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बट इसका जो फास्ट गियर में जो स्पीड है वो सेफ और सेफ 99 ही पहुँच पाता है। लेकिन दोस्तों इस कैटेगरी के लगभग सभी बाइक 100 क्रॉस कर देता है फास्ट गियर में। इस बाइक का जो ये डिसएडवांटेज है वो आम राइड में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इसी कैटेगरी के किसी और बाइक से कम्पीट करने जाओगे तो फिर आपको ये डिसएडवांटेज अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बाइक में आपको जल्दी जल्दी गियर चेंज करना पड़ेगा और उसके वजह से आपके ओपोनेंट को थोड़ा सा फायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों 10 लाख के अंदर वैल्यू फॉर मनी सुपर निकेट बाइक के बारे में आपको जितना हो सके मैं बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अब तक जितने भी लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी को शुक्रिया। और दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हम सभी का चैनल ड्रीम टोटल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो गुड बाय दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी और एक दिन और एक वीडियो में।